डेड बॉडी आई उनकी पहली बार। जब डेड बॉडी पहली बार आया ना तो उनको हाथ पकड़ा, ये हाथ से ना इस आदमी ने दुनिया जीती यार, अपना नाम क्या, ऐसा मरा हुआ हाथ है, उनका हाथ गिर रहा नीचे। मैंने कहा यार इस आदमी का हाथ कैसे गिर सकता भैया, को रूल लगाओ, इस आदमी का हाथ ऐसे नहीं गिर सकता। मेरे को यार बात करनी, बस जी को दिखाना था यार कि एक बार बस वो मिलके मुझे कहते कि यार तू अच्छा करता है यार। वैसे कैसे पीठ पे हाथ चीता उनका कि सही कर रहा है तू। सर उनसे बात करनी थी, बोलना था यार तीसरी पीढ़ी में खेल बनता है बिगड़ता, बोला था ना आपने, बिगड़ा नहीं यार बना है यार, सब रह गया ना, बोलना सब रह गया है ना। मैंने जो सीखा जहां सीखा जैसा सीखा उनके साथ रह के सीखा, बड़े लोगों के ना सानिध्य में भी आप बहुत शिक्षा प्राप्त करते हो, उनको देख के सीखते हो आप कि वो कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे, कैसे मिलते थे लोगों से, किस तरह का बिहेवियर था उनको, काम के बारे में क्या सोचते थे। छोटी छोटी चीजें मेरे जीवन की इतनी सारी हल होती ना सिर्फ उनके साथ रहने की वजह से, और उनको थैंक यू नहीं बोल पाए इस बात के लिए। उनके जाने के बाद हर बार कोई त्योहार जो है वो मातम से शुरुआत होती है हमारी उसकी। बड़ों का साया ना जब तक आपके सर पे होता है तब तक आपको उसका अंदाजा नहीं होता, जब वो चला जाता है ना तब आपको लगता है कि उसकी कितनी जरूरत थी, वो कितनी हिम्मत देता है आपको।